चला विनंती आहे करंगळ संघाला क्षेत्ररक्षक सजवून घ्या आणि चेंडू आतमध्ये तिकडे करण मरवी और उनके साथीदार आ चुके मैदान के अंदर। स्पर्धा असते कसा आपला कोटा भरतो ना जेवणाचा। 55 चाहिए जीतने के लिए वक्त बर्बाद मत करो क्योंकि विनती है करंगळ कप्तान को और दोनों सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए 24 बॉल 55 रन गाड़ी गांव ठान को जीतने के लिए। करण मड़वी के साथ उनके साथीदार हैं अमित नाईक एकटकर या रघु दादा उस टीम के अंदर। मैच को शुरुआत कीजिए दोनों बल्लेबाज बॉल को चॉइस कीजिए। इसके बाद और एक फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच है और उसके बाद सेकंड राउंड के मुकाबले चालू होंगे और उसके बाद रिजल्ट लगेगा क्या होगा क्या नहीं और उसके बाद हम देखेंगे पूरी तरह से और तुरंत रचित भाई को एलआईसी ऑफिस में हम लेके जाएंगे दीपक सर के पास। इम्पोर्टेंट बात है एक बार फिर से बारिश हमें तैयार है खेलने के लिए। उधर 43 की नॉट आउट पारी खेलने वाले बल्लेबाज सूरज पाटिल बॉलिंग ट्रैक के ऊपर कोटे का पहला और पारी का ये पहला ओवर लेके अमित नाईक सामने मास्टर ग्रेन पे करण मड़वी दाया बाया कॉम्बिनेशन। इस बार और विकेट से गेंदबाजी करेंगे और फर्स्ट बॉल फेस करेगा अमित नाईक। 24 बॉल 55 रन टू विन गाजीगांव ठान टीम। मैच की शुरुआत होने जा रही है 55 का पीछा कैसा होगा। क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही है लक्ष्य का पीछा करना और लक्ष्य सामने रखा हुआ है करंगळ टीम ने 55 रन। पहली गेंद हवा में कैच अच्छा अच्छा वेल ट्राई जज किया था लेकिन पानी वहां बहुत है थोड़ा खराब है। बैकअप के लिए रघु दादा है मौजूद वहां मिलेंगे तो बॉल लगाएंगे देखिए उंगली के ऊपर संभाल की बॉल उंगली के ऊपर हमारे डॉक्टर का घुंघरू गए एस पबे भाई यहाँ नहीं है बॉल लगी है उंगली के ऊपर तो कृपा करके आप रिश्वत लो तो मेरी भी उंगली क्रमांक जो 4 है वैसी ही बेंड हुई थी कॉलेज में दो चार लड़कियों ने उसकी मालिश भी की थी लेकिन फायदा हुआ नहीं। टीम का स्कोर हम देख सकते हैं ओपन हो चुका है तो नाइक ने खाता ओपन किया अमित नाइक ने 53 रन के अभी तो जरा 53 चाहिए जीतने के लिए। कवर के ऊपर शॉट था दो रन हो चुके 53 चाहिए 53 चाहिए अभी तक जीतने के लिए। सॉरी 55 हो चुका है 56 का टारगेट है माफ कीजिए थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि स्कोरों का गणित कच्चा और छे शाबाश खड़े खड़े ठोक दिया सूरज तो कह दिया तू मारेगा तो हम भी मारेगा इसे कहते बदला। और सूरज जैसे गेंदबाज की ऊपर हमला किया है आहा,
शॉर्ट रे अमित शॉर्ट, चला पंच पुण्याला चला कडक शॉर्ट। ते जगह जगह से जो बल्लेबाज मारते हैं ना तो स्ट्रोक को देखता ही पड़ता है क्या ठोकता है। और ये दूसरा छक्का अमित नाइक के बल्ले से आया और स्कोर पहुंचा इस बार देखा जाए 14 के घर में। शाबाश नायक, खेल गए चंपा, खुश हो रम्मा। देखो पहले लंबा छक्के को मारा, खंबा हॉक मारे ठोक। ये तीसरा छक्कों की हैट्रिक, ये क्रिकेट में छक्कों की हैट्रिक नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें बोलना पड़ता है क्योंकि ये पहले से लोग बोलते आए। तीन छक्के, सूरज पटेल के ऊपर हमला किया है और स्कोर तेजी से आगे गया है मानो बुलेट ट्रेन की तरह 20 पे 10 स्कोर। अब तो जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। कुछ कुणाल समझाने गए सूरज को लेकिन सामने अमित नायक जैसा खूंखार बल्लेबाज है वो भी कोई आड़ा टेढ़ा नहीं है। वो जानते हैं उन्होंने शुरुआत करक की, लगातार तीन छक्के सूरज पटेल को उन्होंने ठोक दी और गाउटी गाउठान का स्कोर आगे बढ़ा दिया है। स्कोर पहुंच चुका है 20 के घर में बागर नुकसान पे। कड़ाकेदार शुरुआत, यह चने के भाजी को टेस्ट नहीं है लेकिन अमित नाइक के बल्लेबाजी में काफी अच्छे टेस्ट है बने। नेक्स्ट बॉल, इस बार सिंगल मिलेगा, बल्ले का बल्ले से आवाज आया है और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 21 35 चाहिए जीतने के 35। आखिरी गेंद शेष सूरज पटेल की, करण मरवी पहली दफा गेंद को खेलने के बाहर के बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति और फर्स्ट ओवर खत्म हो चुका है। गौतिक आउटान का स्कोर पहुंच चौथा छक्का ठोका, कड़क बल्लेबाजी। एकड़ करके सुपुत्र ने इस बार देखा जाए इस गेंदबाज को कह दिया है कि आप मैं मारूंगा। हवा छूटी है, छह के साथ स्कोर गया है 29 29।
ये भी बाहर हमें बोला ना, बोला तो बोला चरण तो पांचवा छक्का तुम्हारा सूरज छह मारेंगे तो हम भी बारह भी करेंगे। पांच तो छक्के ठोक दिए और स्कोर आगे 35। जीतने के लिए गाँव गाँव टाउन को 20 रनों की जरूरत। और 7 बॉल में 33 रनों की पारी चल रही है अमित नाई की, उसमें मेरे हिसाब से 5 उन्होंने छक्के ठोक दिए और अकेला भारी पड़ रहा है। करण मर्मी को कह रहे तो नौ स्ट्राइक रन पर है, मैं देखता हूँ बाकी का क्या। और ये गेम देखिए और तुमसे बाहर रखी, बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद और बल्ले की भी कनेक्शन हुआ नहीं। अच्छी बॉल, अगर ये गेंदबाज अफगानिस्तान वाले ऐसे करते तो मैक्सवेल को मारता नहीं था। ये कह रहा है इस बार क्या चैट नहीं, ये बाउंड्री है क्या, क्या है। चलिए 4 रन और स्कोर आगे बढ़ता है 39। और ऐसी जब तूफानी बल्लेबाजी चलती है ना तो सामने वाले टीम का थोड़ा सा मनोबल टूटता है। अब इसमें से हम देख सकते हैं 16 और 1 17 रनों की जरूरत जीतने के लिए। मनीष अमित भाई, अमित भाई क्या कर रहे हैं यार, प्रजापति बिल्डिंग में जा रहे हैं गेम बराबर तुम्हारे छे हमारे छे हिसाब के स्कोर 45 11 रनों की जरूरत है। अकेले अमित नाइक अकेला ठोक रहा है और करंदाड़ा के गेंदबाज इस बार मनीष को इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। पहला सूरज उसके बाद मनीष 43 पे खेल रहे हैं और एक बार 50 पूरा करने के लिए अमित नाइक को चाहिए 7 रन। और यहां सिंगल जरूर मिलेगा स्टेडियम के ऊपर गेंद, एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर आगे बढ़ता है गौतम गौ टाइम का 46। अब तो आने वाले 12 बॉल शेष और 10 रनों की जरूरत। 44 पे पहुंचे अमित नाइक, उसमें मेरे हिसाब से 6 छक्के हैं, बाउंड्री है, डबल सिंगल है। 50 बनाने के लिए अमित नाइक को चाहिए 6 और गौतम गौ टाइम को जीतने के लिए 12 बॉल में चाहिए 10। आखिरी मैच मसराउंड की होगी इस मैच के बाद। सातवां छक्का, छक्कों की बारिश इतनी पूरी अमित ने बल्ला ऊपर कीजिए और इस तक पर सभी खेल दर्शक कर रहे वेल डन अभिनंदन। तूफानी पारी जानदार पारी 50 पूरी अमित नाइक की, अकेले ने कह दिया मैं हूं ना, झंडे में डंडा तम में बम्बू खड़ा कर दिया। कड़क बल्लेबाजी, शॉट मजबूत चाहिए काम फिट होता है। टैप के हल को से इस बार देखा जाए सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ 51 पे पहुंचे वो और टीम का स्कोर पहुंचे 53 हो चुका है। तो जीतने के लिए और 3 रनों की जरूरत है। यह मनोबल थोड़ा सा टूट गया है करंदाड़ी टीम का। करण मर्मी और ये गेंद वाइट, वाइट प्लस 1 स्कोर इज 11। पर जीतने के लिए 1 रन चाहिए और टीम भी जो तुम्हें आता या भाई तुम्हारी ठंडी भर ली। मर्मी चलिए इनिंग रन क्यों लिया नहीं तुम्हारी मर्जी लेकिन जीतने के लिए 1 रन चाहिए। छक्का मारने का है और ये छक्का नहीं जाएगा लेकिन बाउंड्री जाएगी लगता है। 4 रन करण मर्मी के पल्ले से इस बार विनिंग शॉट आया। 4 के साथ जीत अर्जित गौतम गौठान और परास्त होना पड़ा यहां लगभग देखा जाए तो। अतुल करंदाड़ी टीम, हार्ड लक करंदाड़ी टीम,
और वेल्डन का अधिकार उठा।